24 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। 24 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे कपाट खोले जाएंगे। मिथुन लगन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदार के कपाट सभी भक्तों के लिए खुल जाएंगे। कपाट खुलने के बाद 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस के विधायकों लगातार सरकार पर घोषणाओं को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद सीएम भी सख्त हो गए हैं। सीएम ने कहा कि घोषणाएं 1-2 सालों के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं घोषणाओं की समीक्षा कर रहा हूं, जो घोषणाएं पूरी हो सकेंगी उन्हें पूरी कर देंगे, लेकिन जो नहीं हो सकेंगी उसके लिए साफ मना कर दिया जाएगा और घोषणाओं को विलुप्त कर दिया जाएगा, उन पर माफी भी मांग ली जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यवहारिकता का आंकलन करना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद मेरे साथियों को जनता का गुस्सा झेलना पड़े। प्रदेश में हो रहे अवैध खनन से अपराध का ग्राफ भी पता चला जा रहा है, जिस पर सीएम हरीश रावत ने चिंता व्यक्त की है। राज्य में अवैध खनन को लेकर सरकार को हमेशा से ही शिकायतें मिलती रही हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को लेकर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के समय भी राज्य में खनन हुआ है, लेकिन भाजपा जिस तरह से सरकार पर खनन को लेकर सवाल खड़े कर रही है वो सही नहीं है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत कल यानी 17 फरवरी को अपने विधानसभा क्षेत्र नांची और मधकोट में शिव मेले का उद्घाटन करेंगे। 18 फरवरी को बंगा पानी तहसील का उद्घाटन करने के साथ ही जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी विभागों को जरूरी निर्देश दे दिए हैं, साथ ही सीएम की सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए हैं। इस दौरे में मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में अभी थोड़ा और समय लग सकता है, ये संकेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने दिए। किशोर उपाध्याय ने कहा कि कार्यकारिणी तो तैयार है, लेकिन अभी तक 2 ऐसे सैद्धांतिक मुद्दे हैं जिस पर आलाकमान के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि जो लोग टिकट के दावेदार हैं दायित्व पा चुके हैं, ऐसे नेताओं को कांग्रेस संगठन में जगह दी जाए या नहीं, इस पर अभी फैसला होना है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि जल्द ही आलाकमान इस पर फैसला करेगा और निर्देश मिलते ही कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। उत्तराखंड में भी स्वाइन फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम हरीश रावत ने स्वाइन फ्लू के मामलों की समीक्षा की, इसके साथ ही स्वाइन फ्लू के रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम से अधिकारियों ने कहा कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बिना इलाज के न लौटाया जाए, साथ ही स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए अस्पताल सभी तैयारियां पूरी रखें। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य महानिदेशक सभी व्यवस्थाओं का जायजा खुद ही लें, आपात स्थिति में निजी अस्पतालों में भी व्यवस्था की जाए और स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में व्यापक इंतजाम करने के कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं पौड़ी जिला अस्पताल में इस रोग से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। हालांकि अभी तक जिले में इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया। जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी संयुक्त और पीएचसी में व्यापक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिले के कोटद्वार कस्बे पर विशेष निगाह रखी जा रही है और जिले में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया जा चुका है, साथ ही दवाओं की भी मांग की गई है। शहरी विकास मंत्री प्रीतम पवार, सख्त निर्देशों का भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। राजधानी दून में बढ़ती यातायात समस्या के मद्देनजर शहरी विकास मंत्री प्रीतम पवार ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए तत्काल प्रभाव से पार्किंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, क्योंकि मनमानी तरीके से या तो पार्किंग के स्थानों पर तो गोदाम बन गए हैं या फिर अवैध दुकानें तैयार कर ली गई हैं। ऐसे में पार्किंग के नियमों की अनदेखी से पुलिस भी परेशान है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगातार हो रही अनदेखी के चलते सीधे सीधे सड़कों पर वाहन की भीड़ बढ़ रही है और जनता परेशान हो रही है, लेकिन कोई सुख लेने वाला नहीं है। ऐसे में जहां डीजीपी चिंतित है तो वहीं सचिव एमडीडीए की माने तो नियमों के पालन के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन देरी का क्या कारण है इसका कोई जवाब सचिव के पास नहीं। गदरपुर शुगर मिल को बंद करने के खिलाफ बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। बीजेपी ने मजदूर संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन छोड़ने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के पूर्व सांसद बलराज पासी का कहना है कि राज्य सरकार राज्य के चीनी मिलों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है और गदरपुर शुगर मिल को बंद करने का फैसला इसी का हिस्सा है। उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस के मुख्यालय का घेराव करेगी और उधम सिंह नगर जिले की सभी 6 चीनी मिलों पर मजदूरों के साथ प्रदर्शन भी किया जाएगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर की 369 सड़कों का काम अधर में अटका हुआ है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कुंजवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री हर गांव में सड़कों से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, जबकि अधिकारी उनकी कोशिशों को पलीता लगा रहे हैं। बता दें कि सड़कों की मंजूरी वन अधिनियम के चलते अटक रही है, जिसके लिए कुंजवाल अधिकारियों को दोषी मानते हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग ने भी जानकारी दी है कि अल्मोड़ा में 174, पिथौरागढ़ की 160 और बागेश्वर की 45 सड़कों का काम वन अधिनियम के चलते शुरू नहीं हो पा रहा है।
नैनीताल की बलिया नदी में अचानक गोल्डन होने के राज से अब पूरी तरह से पर्दा उठ गया है। समाचार प्रेस की खबर के बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और उन्होंने समाचार प्रेस की टीम के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों की माने तो उस नदी में सल्फर नहीं बल्कि पानी में भरपूर मात्रा में एसिड मौजूद है और एसिड पानी लाइम स्टोन के संपर्क में आ रहा है और इससे होने वाली रासायनिक प्रक्रिया से नदी के सारे पत्थर गोल्डन हो गए। मुख्यमंत्री हरीश रावत गन्ना किसानों पर खासे मेहरबान नजर आए। मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों की नाराजगी का जिक्र किया कि हर साल यूपी से ज्यादा मूल्य गन्ना किसानों को देता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए साफ कह दिया कि किसानों को 2 रुपए प्रति क्विंटल उत्पादन बोनस राज्य सरकार देगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने निजी चीनी मिलों के लिए भी गन्ना किसानों के भुगतान के लिए राह खोल दी है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर पलटवार करते हुए सीएम हरीश रावत ने साफ कहा है कि बहुगुणा जी मुझे रवैया बदलने के लिए कह रहे हैं लेकिन कृपया बता दें कि मैं तो रवैया क्या पूरा मेकअप ही बदलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा वो मेरे पुराने दोस्त हैं और अगर दोस्त कोई बात कहता है तो कैसे हम उस बात को नहीं मानेंगे। अर्धकुंभ मेला उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। मेले की तैयारियां की उल्टी गिनती शुरू हो गई है लिहाजा मेला पुलिस ने भी अभी से कमर कस ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा मेला डीआईजी जीएस मातुलिया पर है। बम बम भोले जय भोलेनाथ जय श्री शंकर जैसे नारों से हरिद्वार का हर शिवालय गूंज रहा है। शिव शंकर की ससुराल दक्ष प्रजापति महादेव का नजारा ही देखने वाला है। दक्ष पर रात्रि से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा था और यहां पर लंबी लंबी कतारें लग गई थी। भोले को हर भक्त सबसे पहले भोले का जलाभिषेक कर अपने आराध्य देव में खुश रहने रखने के उत्सुक दिख रहा था। ऐसे में मान्यता है कि सावन के एक माह अपने ससुराल कनखल स्थित दक्ष प्रजापति में ही रहते हैं। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शिव की ससुराल कनखल में विशेष महाआरती की गई जिसमें भगवान शिव के विवाह का शुभ दिन माना जाता है। इससे पहले भगवान शिव की बारात के आगमन से पहले औघर दानी शिव की खास पूजा हुई। राजधानी दून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। अपने प्रयोग में जुटी पुलिस के बदमाशों को बड़ी चुनौती दी है। राजधानी में डीआईजी गढ़वाल रेंज के कार्यालय से लेकर घंटाघर तक बदमाशों ने एक सप्ताह में आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दिया है। पौड़ी में इन दिनों गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस इन मामलों की जांच करने में नाकाम साबित हो रही है। थैलीसैंण तहसील के खाटली इलाके का पटवारी पिछले 26 जनवरी से लापता है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पटवारी की पत्नी ने दर्ज कराई थी लेकिन कई सप्ताह गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक पटवारी का पता लगाने में नाकाम साबित हुई है। उत्तराखंड में धड़ल्ले से हो रहे अवैध को लेकर एंटी माइनिंग सेल ने अभियान तेज कर दिया है। शनिवार रात को एंटी माइनिंग सेल ने आईजी संजय गुंजवाल की अगुवाई में हरिद्वार के श्यामपुर पथरी भोगपुर और बुगवाला के कई स्थानों पर छापेमारी की। उत्तराखंड की सीमा से सटे सहारनपुर में हुई डकैती की घटना से राजधानी दून में भी सराफा व्यवसायियों में डर का माहौल बना है। व्यापारियों ने एसएसपी से मुलाकात कर अपनी जान और माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। राजधानी देहरादून में भले ही पुलिस हर रोज अपराध पर लगाम लगाने के लाख दावे करती हो लेकिन बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देने से बात नहीं आ रहे हैं। राजधानी दून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के टीएचडीसी की रहने वाली महिला के घर पर बदमाशों ने धावा बोला। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे लेकिन ऐसा हो न सका। बदमाश परिजनों पर जानलेवा हमला कर फरार हो गए। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री हरीश रावत के कलेक्ट्रेट में छापमार कार्रवाई और फटकार के बाद उधम सिंह नगर के डीएम अब हरकत में आते दिख रहे हैं। डीएम डॉक्टर पंकज पांडे ने जिला अस्पताल में अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए और वहां व्याप्त अवस्थाओं को देखकर डीएम का पारा चढ़ गया। डीएम पंकज पांडे ने तत्काल एक फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया। श्रीनगर विधायक जिला प्रशासन और जीवी के कंपनी के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के बाद धारी के ग्रामीणों ने 28 फरवरी तक के लिए धरना स्थगित कर दिया है। रुद्रप्रयाग जिले में उच्च शिक्षा का बुरा हाल है। विद्यालयों का उच्चीकरण तो किया जा रहा है लेकिन अध्यापकों की तैनाती करना शिक्षा विभाग भूला जा रहा है। शिक्षा विभाग की लचर कार्यप्रणाली का जीता जागता नमूना है जिला मुख्यालय से सटा खानकरा का राजकीय इंटर कॉलेज। पीडब्ल्यूडी की लगातार खामियां देखने को मिलती है। पीडब्ल्यूडी की खामियां दूर होने की बजाय बताई जा रही है। बागेश्वर मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर की दूर बागेश्वर कौसानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रवाई खाल लोक निर्माण विभाग का श्रम विश्राम गृह आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण ग्रामीणों ने लोक विभाग निर्माण को विश्राम घर को कूड़ा दान बनाकर रख दिया है। कीर्तिनगर विकासखंड में 12 दिनों से लापता चल रही विवाहिता और युवती को पुलिस ने खोज निकाला है। पुलिस की माने तो दोनों आर्थिक तंगी के कारण नौकरी की तलाश में घर से निकली थी।
बीजेपी पिथौरागढ़ की कथित उपेक्षा की राज्यपाल से शिकायत करने की तैयारी में है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि पहले विजय बहुगुणा और मुख्यमंत्री हरीश रावत जिले की उपेक्षा कर रहे हैं। राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा के मुताबिक 17 फरवरी के दोपहर से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार है। मौसम में बदलाव का असर 17 फरवरी से अगले 48 घंटों तक दिख सकता है। हरिद्वार में फरवरी से चल रहा शारदीय कांवड़ मेला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। बड़ी संख्या में हरिद्वार आए शिव भक्त कांवड़ियों गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुके हैं।